नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टुडे न्यूज। विकासखंड सल्ट के कोयरेला में दो दिवसीय भव्य दीप महोत्सव का शनिवार को शुभारंभ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि सल्ट ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत ने प्रथम दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। दीप महोत्सव का आयोजन क्षेत्रीय युवा मंच कोयरेला के तत्वाधान में किया जा रहा है। महोत्सव के प्रथम दिन क्षेत्र के युवा कलाकारों द्वारा एक दिवसीय रामलीला का मंचन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख ने कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की, साथ ही लोक संस्कृति में महोत्सव की महत्व को भी सराहा। बधाइयां और साथ ही बधाइयां दूंगा आयोजककर्ताओं को कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम की कल्पना की और आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्र में होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि छोटे छोटे स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होते रहें। हमारी देश की, हमारे समाज की जो पुरानी चली आ रही सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो कलाएं हैं, उनका विस्तार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। Oh,
हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ फूल खिले हैं, कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। कलाकार भी आएंगे और हमारे जो क्षेत्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर उनके छात्रों द्वारा भी जो है रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और साथ में जो है मिसाल स्वास्थ्य शिविर जो है प्राइम हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पे किया गया। कभी नहीं कर रहा हूँ, गोधन सिंह बोरा नाम है मेरा, रघुना तल्ला बाखरी गाँव में, और हमेशा मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का नाम हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमें कभी किसी रूप से किसी नाम से पुकारा गया था नहीं गया था हमें नहीं पता, मगर हमारे को आज रावण के नाम से पुकारा जाता है जब हम अपने गांव पधारते हैं, जब भी विकास आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो लोग इस रामलाल कर रहे हैं बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ हर कार्य हर जनता एक दिवसीय रामलीला देखने के लिए यहाँ पर आई, उनका पूरे जनता का तहे दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम लगभग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ गुरुजी हमारे वरिष्ठ गोविंद सिंह बोरा जी हमारे साथ काफ़ी टाइम से लगातार हमारे सहयोग भी कर रहे हैं और हमें निर्देश भी कर रहे हैं, तो उनका भी तहे दिल से आभार करते हैं और समस्त जनता का यहाँ पे आभार करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे अपने तन मन धन से सहयोग दिया है। तो ये कार्यक्रम हम आगे भी हर साल इसको करते रहेंगे और आज तो एक दिन की रामलीला है, अगले साल हम इसको 10 दिन की रामलीला में तब्दील करने की कोशिश में हैं और
जो चैनल को पहली बार देख रहे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।